नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है संडे, मैं जिम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी पड़ सकती है और मैं अपने घर के नीचे अपनी धर्म पत्नी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी जिम जाना है और वो रेडी हो रही है। उन्होंने मुझे बोला है कि वो 5 मिनट में नीचे आ रही है, लेकिन सारे शादीशुदा मर्द ये जानते हैं कि उनकी बीवी का 5 मिनट क्या होता है। तो आई थिंक 5 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने गाड़ी भी यहाँ लगा ली है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं मैडम कब आती है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो वो भी देखेगी तो मैं पहले बता दूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मरते दम तक उनकी वेट कर सकता हूँ। और अपनी जान की सलामती के लिए टॉपिक को चेंज करते हैं। जब तक वो आ रही है हम कुछ और बात करते हैं। बात करते हैं वर्कआउट की। आज मुझे अपनी चेस्ट ट्रेन करनी है, सिर्फ एक बॉडी पार्ट जिसके हम करते हैं तकरीबन 16 सेट यानी 4 एक्सरसाइज, 4x4 16 सेट। और मुझे ये 4 दिन का शेड्यूल काफी ज्यादा सूट कर रहा है। मुझे बॉडी में फटीग लेवल कम लगता है। जब मैं एक बॉडी पार्ट को दोबारा ट्रेन करता हूँ तो वो मुझे उतना फटीग नहीं लगता, वो रेडी रखता है उस वर्कआउट के लिए वर्सेस पुशफुल लेग, क्योंकि मैं रेस्ट डेज कम ले रहा था। आ गई जी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। मैं अभी तेरी इतनी तारीफ कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा मेरे साथ जिम जाती है, बिल्कुल हम साथ में जाते हैं, जल्दी रेडी हो जाती है, मेरे को वेट नहीं करना पड़ता। तो हम यही बात कर रहे थे अभी। मैं अपने वर्कआउट की बात कर रहा था कि कैसे मुझे 4 दिन का वर्कआउट बॉडी में फटीग कम महसूस कराता है, तो मेरे लिए काम कर रहा है। आई थिंक थोड़े दिन मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरा फेवरेट अभी भी पुश पुल लेग ही है। तूने क्या करना है? मेरा है पुश। इनका पूछा ही अभी भी पुश पुल लेग कर रही है क्योंकि ये थकती नहीं है, शी इज अ सुपर वुमन। चलते हैं जिम और वर्कआउट लगाते हैं। संडे के हिसाब से जिम में काफी गाड़ियां दिख रहा होगा, इतनी गाड़ियां संडे को होती नहीं है, आज पता नहीं क्यों है, तो यानी कि भीड़ एक्सपेक्टेड है। मेरे को बाकी वर्कआउट तो मशीन पे करना है जिसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन पहली एक्सरसाइज होती है इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसके लिए यार पूरा वो ताम झाम चाहिए, मुझे रॉड चाहिए, वो स्लॉट चाहिए, बेंच चाहिए। आई होप वो मिल जाए मुझे। मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है, काफी थकाने वाला वर्कआउट था। आज 6th कॉन्सिक्यूटिव डे था वर्कआउट का, तो ये 5वां 6ठा दिन आते आते मुझे थकान लगने लगती है। सोया मैं ढंग से था, मैं आई थिंक 7-7.5 घंटे सोया हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस में मुझे थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ा अपने आप को, बट आई स्टिल गॉट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेपिटेशंस विद प्रॉपर फॉर्म। अब मैं जिम में बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, इश्ता जी रनिंग कर रही है। जब उनकी रनिंग खत्म हो जाएगी तब हम जाएंगे घर, नहीं कहीं और। हमारा प्लान है कहीं पर कॉफी पीने जाने का, ब्रेकफास्ट करने का, विहान को पिक करना है रास्ते से। एक मार्केट है घर के पास जहाँ पर एक पर्टिकुलर आइसक्रीम शॉप है जिसकी आइसक्रीम्स बड़ी टेम्पटिंग है, तो वो आइसक्रीम इश्ता और विहान को टेस्ट करने का बड़ा मन है काफी टाइम से, और वो दिन आ गया है जिस दिन ये दोनों वो आइसक्रीम टेस्ट करेंगी, जो कि है आज। तो हम वो मार्केट पहुंच चुके हैं और ये उस आइसक्रीम शॉप में घुस चुके हैं। सुबह के शायद 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल से अभी, हाँ ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। इस टाइम भी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, काफी लोग थे अभी जो आइसक्रीम लेके निकल रहे थे। मैं आइसक्रीम तो नहीं खाऊंगा, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ कि क्या खाया जाए। तब वेट करते हैं इनकी आइसक्रीम आने दीजिए, बहुत टेम्पटिंग है, इतनी लंबी बड़ी आइसक्रीम होती है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ फिर कुछ खाते हैं। क्या है सर ये? अकाई आइसक्रीम, और मुझे पता नहीं बनी है, कुछ अकाई अलग ग्रेन होते हैं, मुझे नहीं पता इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें ग्रैनोला है नीचे और स्ट्रॉबेरीज भी हैं। तो ये मिल्क से नहीं बनी? ये पता नहीं मुझे। अच्छा, पता करना पड़ेगा, खा के बताना टेस्ट में क्या फर्क है। बहुत गंदा है। टेस्ट बहुत गंदा है। मैं क्या लूं, ये फ्रूट बेस्ड है। मुझे भी कराना। क्रीम नहीं आया।
डिफरेंट है, फ्रूटी है, तभी देखो अच्छा नहीं लग रहा, तेरे को फ्रूटी नहीं पसंद ना। तो व्यान ने लिए है ये चॉकलेट जिलाटो आइसक्रीम, इसको ये पसंद नहीं आई, ये हम इसको खिलाने आए थे ये, क्योंकि ये डिफरेंट है थोड़ा, बट ही डिडंट लाइक इट, पर ये इश्ता को पसंद आए, वो ये खा रही है। मैंने लिया है कॉफ़ी, उसके साथ भी मिला एक छोटा सा कुकी, और मैंने लिया है साथ में, चलो लिख लो, ये लिखा तो हुआ था होममेड है, बनाना और ब्लूबेरी ब्रेड, है तो बहुत फ्रेश। You have to eat this. ये बहुत जबरदस्त है। I think one of the best breads I've ever had. And sorry for the information, अकाई एक टाइप के berries होते हैं। Sorry for the information. मैं बोला था ना grains। Oh yeah. Very nice. सच्ची बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है। Perfect मीठा होता है ना, कम वाला। हाँ, और crispy जो इसने इसको grill किया है, grill कराई, toast कराई है, लेकिन butter नहीं लगवाया। एक उसका छोटा सा स्लाइस है, आई थिंक वो एप्पल पाई है, वो मुझे मेरी नज़र है उसमें। आज इश्ता आड़े हाथों आई है, आज इश्ता ट्रीट कर रही है हमें, जो जो खा सकते हैं खाएंगे। तेरी कैसी है? अच्छी है। वो डिफरेंट है कि नॉर्मल है? नॉर्मल, ब्राउन ही आ रही है। व्यू दिखा के देख ले, बनाना ब्रेड खा के देख कैसी है। अब हम आए हैं चार ग्रिल चार्लीज पे, इसका चिकन बहुत अच्छा होता है, उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। इन्होंने लिए चिकन विंग्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने अपने लिए लिया है एक पोर्टुगीज रोल, इसमें बहुत सारा चिकन है जो भी मैं निकाल के खाने वाला हूँ। साथ में हमने लिया है ये सीजर सैलेड जिसमें ग्रिल चिकन है, अंडे हैं, लेट्यूस है, ये काफ़ी हेल्दी है, ये सबसे कम हेल्दी है। तो मैंने अपना रोल खाना शुरू किया है, बहुत सारा चिकन है इसके अंदर, और मैंने बेकन डलवाया था ऊपर से, कहने को ये फास्ट फूड है लेकिन बिल्कुल सिर्फ ग्रिल चिकन है, कोई मसाला नहीं है। तो आज का लास्ट आइटम है ये सैलड, तो देखो कितना चिकन डाला है भाई, दो तीन अंडे हैं, क्या है कुछ सॉस वॉस कुछ तो डाल लें, या मेयोनीज डली है? डली है। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और मैं घर से बाहर निकला हूँ थोड़ा अकेला, क्योंकि घर पर थोड़ा सा कमोशन मचा हुआ था, बहुत सारे लोग एक साथ कुकिंग कर रहे थे, मेरे पापा को कुछ कुक करना था, इश्ता कुछ कुक कर रही थी, मम्मी भी किचन में घुसी हुई थी, बहुत तेज़ मसालों की स्मेल क्योंकि वो ओपन किचन है, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, और मैं थोड़ा सा अनईजी हो गया संडे की वजह से, मैं आराम करना चाहता था, इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ एक और कॉफ़ी पीने। घर से थोड़ी ही दूर एक कॉफ़ी शॉप है शार्लेट के नाम से, यहाँ आपने पहले भी देखा होगा मुझे, यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर बैठ के आराम से तसल्ली से कॉफ़ी पीऊँगा। प्रॉब्लम यह है कि मुझे लग रहा है कि बारिश ना आएगा। साथ में मैंने लिया है ये डेट और नट का एक केक, ये खाऊंगा, और साथ में मेरा फेवरेट पास टाइम जो होता है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है, वो होता है रीडिंग। तो मैं आजकल श्री रामचंद्र सीरीज दोबारा पढ़ रहा हूँ, अमीश त्रिपाठी जी की पहली बुक है ये, और इतनी पढ़ दी है मैंने, और ये बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है। मैं कोई रिलीजन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी अपने चैनल पे किसी रिलीजन का प्रचार नहीं करता हूँ, इसमें श्री राम जी के सिखाई हुई चीज़ें बताई गई हैं, ये नहीं बताया गया है कि आप उन्हें वर्शिप कीजिए, वे ऑफ लाइफ राम राज्य या श्री राम जी जिन बातों के लिए माने जाते हैं, इस फोकस टूवर्ड्स बिल्डिंग ए गुड सोसाइटी, इस फोकस टूवर्ड ब्यूटी, क्यों ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छी सोसाइटी बननी चाहिए, आपकी ज़बान की क्या वैल्यू होती है, आपका अपना वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, इंटेग्रिटी की क्या वैल्यू है लाइफ में, ये सब चीज़ें श्री राम सिखाते थे, और वही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में बताई गई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है, बहुत सिंपली स्टोरी समझाते हैं अमीश त्रिपाठी, इतने ज़्यादा कि कंपेल करते हैं मुझे पूरी सीरीज दोबारा पढ़ने की। आई थिंक इसमें 3-4 बुक्स हैं, राम सीता रावण और लंका, चार, और चारों अलग अलग स्टोरीज हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की, तो श्री राम सीता रावण और लंका पे क्या होता है, और फिर इवेंचुअली सारी स्टोरीज कन्वर्ज करती हैं एक जगह, और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप बुक पढ़िए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, अगर आप रीडिंग नहीं करते दिस कैन बी योर स्टार्ट, और अगर आप रीडिंग करते हैं और आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो भाई आपने कुछ मिस किया है फॉर श्योर। ये बुक पढ़िए, मैं भी अभी पढ़ूँगा और कॉफ़ी पीऊँगा। पता नहीं क्यों कई बार अकेला बैठना, शांति से बैठना, डिसकनेक्ट होना हर चीज़ से,
मुझे डी-स्ट्रेस करता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अगर आप ऑफिस में अकेले भी बैठे हैं, आपके दिमाग में आपके बारे में चीज़ें नहीं चलती, ऑफिस की ही कुछ ना कुछ चीज़ चलती रहती है दिमाग में, कि अगली मीटिंग कौन सी है, उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, किसके साथ क्या डिस्कशन है, कौन सी ईमेल पेंडिंग है, कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है, कौन सी कॉल पे जाना है। इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ मंडे टू फ्राइडे। शाम को आके फैमिली को टाइम देना होता है, तो कुछ मोमेंट्स हफ्ते में ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ पर सिर्फ आप अपने साथ बैठें, किताब पढ़ें, कुछ आपके जो अपने थॉट्स हैं उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करें। मैं जनरली असेस करने की सोचता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, आगे क्या करना है, क्या चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या स्किल मुझे अच्छी करनी है, कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाऊँ, कैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ाऊँ अपने। तो ऐसे अकेले बैठ के सिर्फ आधा घंटा स्पेंड करना ही पूरे हफ्ते में मेरे को काफ़ी री एनर्जाइज कर देता है। टाइम हो रहा है शाम के 5:05, जो सवेरे खाया था उसके बाद कुछ नहीं खाया, खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। तो कॉफ़ी के साथ मैंने डेट और ड्राई फ्रूट का केक लिया था, वो भी नहीं खाया गया मेरे से, आई वाज वेरी हैवी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर आराम किया, अब टाइम है नेक्स्ट मील लेने का। नेक्स्ट मील होगी बहुत सिंपल, ये है एक वाइट रैप जो मैंने अभी भी हल्का सा गर्म किया है, ये है वो चिकन जो सवेरे हमने सैलड मंगाया था जो नहीं खाया, उसका उपयोग करेंगे हम एक रैप बनाने में। तो ये 100 ग्राम चिकन मिनिमम मेरे को चाहिए था, वो है आई थिंक उससे ज्यादा ही है, तो आई थिंक हम ये सारा सैलड इसके अंदर डाल देंगे। इसमें अंडा भी है, सैलड भी है, मेयोनीज भी है, कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। फ्लेवर के लिए केचप डालूंगा मैं, और आई थिंक हमारा रैप रेडी हो जाएगा फटाफट से। ऐसे मोड़ा बंद होने की एक ट्रिक है जो मैं मास्टर नहीं कर पाया, तो काफ़ी अच्छा था। ये बन गया हमारा रैप, इससे आराम से हमें 40 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इसमें एग भी था और रैप के अंदर भी 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है। और मैंने आपको क्या दिखाना था, मैंने आपको दिखाना था कि मैंने काम करके अभी कुकिंग करके, क्योंकि आज संडे है, अपने हफ्ते की मील्स तैयार करी है। ये 3 लंचेज हैं, इसमें है तकरीबन 200 ग्राम्स राइस और 130-140 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट और थोड़े से वेजिटेबल्स। ये बल्क में मैंने बना लिया है, तीनों में सेम क्वांटिटी है राइस, चिकन और वेजिटेबल्स की। ये 2 ब्रेकफास्ट भी रेडी है मेरे, इसमें एग और चिकन का एक ऑमलेट होता है और 2 स्लाइस ब्रेड है केवल। ये मैंने 3 नहीं बनाए क्योंकि 2 दिन के बाद जो अंडा और ब्रेड है वो सॉगी हो जाता है, तो इसलिए मैक्सिमम 2 दिन की प्री प्लानिंग कर सकते हैं आप, लेकिन ये लंचेस लंबे चल सकते हैं। मेरे पास चिकन इतना ही था एक बार में बनाने का, इसलिए मैंने 3 दिन का बनाया, कई बार मैं 4-5 दिन का भी बना देता हूं। तो आई थिंक ये वेंसडे तक चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये मंडे ट्यूसडे को चलेगा। अब एक लेट लंच करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की डाइट ठीक रही आई वुड से, थोड़ा सा हैवी चला गया था मैं ब्रेकफास्ट में, तो इसलिए आई हैड टू कट डाउन। उसके बाद से हैवी कुछ नहीं खाया, ये मॉडरेट कैलोरीज के साथ है बट वेरी हाई इन प्रोटीन, क्लीन डाइट है, क्लीन फूड है, इसमें ज़्यादा मेसी स्टफ नहीं है। तो मैं ये अपना रैप एंजॉय करता हूँ, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।